बेबे पापा जी, आप लोग ऐसे गुजराती ड्रेस में? अब दरअसल क्या हुआ ना पुत्र जी, आपके दादी जी ने फोन किया था, वो कहते हैं कि वो ये बस गुजराती ऐसे कपड़े पहन के आने, हमारे पास तो थे नहीं, तो फिर हमने फिर बस फटाफट फिर इन्होंने खरीदारी करवा दी और हम हाजिर हैं। जैसे शो लागू छू मैं। पापा जी शू नहीं केवो, केवो लागू छू बोलिए। केवो वही। हो गई छुट्टी, अब मंजीत सिखाएगी गुजराती, वो भी अपने पापा जी को। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप बैठी हूँ माया, वरना इन भिखारियों की इतनी औकात ही कहाँ कि मेरे होते हुए इस घर में कदम तक रखे। कहाँ जी, माफ कीजिएगा, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरा मतलब है कि इस घर में पहले आपको कभी देखा नहीं। पापा जी, ये हमारी माया बुआ जी है। माया बुआ जी मतलब? मतलब ये तो फिर आप अंकल जी, अब सब लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना माता जी की चौकी कर ले, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, चलिए पापा जी चलिए। हाँ, चलिए चलिए। समीर तुम कहाँ हो, यहाँ पर सब शुरू हो गया है। अपनी जानकी के बहुत करीब, जरा बाहर तो आना। मैं? हाँ पर आओ ना मेरे लिए। ठीक है मैं बाहर आती हूँ। समीर तुम बाहर क्यों रुके हो, चलो अंदर चलो। नहीं जानकी, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारा समीर बन के वापस लौटूंगा, उसमें अब थोड़ा वक्त है। आज तो सिर्फ मैं अपनी जानकी को इस चनिया चोली में देखने आया हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम गुजराती परी। तुम सचमुच अंदर नहीं आओगे जानकी? उदास होके तो मुझे कमजोर बना दोगी, मैं अपनी इस बरी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ।